नहीं देखो कितना शरारत हमारा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और वापस से एक नया सा वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। तो कल रात को ढाका वापस पहुंच गया था मैं ऑलमोस्ट अराउंड अपना 10 बजे में। उसके बाद सेम होस्ट के पास रहा मैं, खाना बना 12 बजे मिल गया यार, काफ़ी लेट हो गया सोने में। और अभी मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ चांदपुर के लिए, चितागोंग की तरफ निकल रहा हूँ अभी। लेकिन चांदपुर में एक मेरा सब्सक्राइबर भैया जी मिला है जो मुझे होस्ट करने वाले है, तो उन्होंने बोला कि लॉन्च से आ जाओ। तो मैं अभी लॉन्च ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का, तो इसी के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे सदर घाट बोल के एक जगह में है ढाका में जो लॉन्च टर्मिनल है, तो वहाँ से मुझे चांदपुर तक के लिए जाना है। तो एक्सपेंस कर लेते हैं यहाँ का लॉन्च भी कैसा है, निकलते हैं। अभी बारिश दे रहा है ढाका में, तो अभी बहुत बारिश दे रहा है आज सुबह से, तो फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ भीग के भी। ठीक है, मिलते हैं अभी सदर घाट लॉन्च टर्मिनल में। ओके, तो अभी मैं पहुंच गया यहाँ पे सदर घाट का पास में, और अभी भी है ऐसा 1 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो अभी रिक्शा लेके चलता हूँ मैं, देखता हूँ। लेकिन टाइम यार मैंने सफ़र किया था 16 किलोमीटर, उसके लिए मुझे 2 घंटा लग गया यार, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे 2 घंटा। अभी भी बारिश दे रही है हल्का हल्का। तो दादा वो सदर घाट लॉन्च टर्मिनल जाओ को दो, हाँ एक किलो 40 किलो 10 टका, हाँ 20 टका। लॉन्च टर्मिनल 30 टका, 20 टका, 30 टका जबा थी। तो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं रिक्शा वाले, मतलब 30 टका मांग रहा था सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। तो चल के जाते हैं, ये तो मैं चल के जा सकता हूँ आराम से 1 किलोमीटर, तो ऐसा कुछ है यहाँ का। अभी ये रहा यहाँ का एक मंजिला बस इसको जोड़ा गया है शायद, हाँ कॉम्बाइन किया है, जोड़ा गया है। तो पहुँच गया अभी यहाँ का लॉन्च टर्मिनल पे, देखते हैं टिकट के बारे में पूछते हैं। अभी टाइम यहाँ पे 2 बज गया है, मिलेगा कि नहीं। हेलो चांदपुर टिकट लॉन्च कितना टाइम पे है? गेट पास 10 टका। और टिकट अंदर लेफ्ट साइड, स्ट्रेट लेफ्ट साइड। ओके, व्हेयर योर कंट्री? इंडिया। इंडिया 10 टका। ओके ओके, थैंक यू। या चांदपुर अरेटा, मतलब 2:30 बजे 2:30 में जाएगा बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा गेट पास भी लेता है 10 रुपीज़ का। हेलो, तो अभी टिकट खरीदना पड़ेगा मुझे, बस एंट्री हो गया यहाँ पे, ऐसा कुछ है जो टर्मिनल ऑफिस है ऐसा कुछ है। भालो। टिकट काउंटर। अच्छा, टिकट काउंटर चांदपुर लॉन्च टिकट, चांदपुर लॉन्च। हेलो सर जी, चांदपुर लॉन्च टिकट वेयर विल आई गेट? कौन सी दे? हाँ टिकट, नो टिकट। लॉन्च टिकट। अच्छा। हेलो सेम सेम या व्हाट्स योर? माय नेम इज हरिशदा। वेयर इज चांदपुर लॉन्च? चांदपुर 2:30 विदिंग सीधा सीधा। Okay. Hello, I have in a country. What? This country? Yeah. Yes. India. Yeah. Okay then. Bye. No money.
No money, India, India. No money. Yemen, India, Yemen, India. No money, no money. Yemen, India. Huh? No money. Yemen. No money. Yemen. No, no, no. Yemen, Yemen. No money. Check out the Ramal Gid. I mean, budget traveler. Amal Gobi. No money, no money. नहीं 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 है नहीं है इंडिया इंडिया नहीं है भाई साहब कैसा मांग रहा था यार asking money जबरदस्ती वो भी मतलब मेरे पास अभी नहीं है खर्चा हो गया सब कुछ इसलिए शायद होने से अवेलेबल होने से दे भी था लेकिन नहीं है चांदपुर लोन्स चांदपुर कितने बजे तो अरेटा ढाई बजे अच्छा अच्छा टिकट कहाँ पे लेना है 200 वेयर वेयर ओके So they are in loans दिखे ticket पावो loans okay ठीक है ticket ले लेते हैं उसके बाद मिलते हैं हम लोग Eagle 7 हाँ Eagle 7 है loans का नाम ये देखो यहाँ पे कुछ काफी सारा खड़ा है loans अलग अलग जगह का हाँ district my district no India but Assam state Assam yeah Assam state ये सब लोन्स खड़ा है देखो ये वाला हेलो टिकट टिकट वेयर टिकट ओके नो केबिन नहीं यार केबिन क्यों चाहिए मुझे वैसे ही पैसा ही नहीं है हेलो चंदपुर लोएस्ट 150 हां ओके ओके हां एक ही रुपया हां हां 150 लॉन्ग साले पड़े व्हाट लॉन्ग साले पड़े हियर 220 ऊपर में ऐसे नो 150 वेयर आई नीड टू सी 150 रुपया पूरा गुरी रुपये स्टैंडिंग एनीवेयर फुल लॉन्ग ओके ओके सराउंडिंग टू यू या या ओके भाई हमारा 20 टाइप का 150 अभी नहीं लाइन ठीक है वंडा वे में देना पड़ेगा बोल रहे हैं ऊपर ही आ जाता हूँ मैं भी ऊपर में ही रहते लाइक दिस ऑल्सो वी कैन स्लीप ऐसा भी रह सकता है अच्छा तो मैं भी जगह पकड़ लेता हूँ कहीं पे स्टैंडिंग करके कहीं पे बैठ के जाना पड़ेगा ओके और जो वो पैसा मांगने के बाहर है ना वो विदाउट एनी हार्ड वर्किंग ऐसा ही मांग रहे हैं कोटला टेक के तो ऐसा लोगों में लेना नहीं चाहता है लेकिन शायद थोड़ा सोच भी सकता था मैं अगर वो हार्ड वर्किंग था तो लेकिन अभी तो ये रिवर का नाम है अभी बूढ़ी गंगा रिवर जिसके ऊपर में हम अभी फिलहाल है उसके बाद हालेश्वरी रिवर मिलेगा रास्ते में मतलब वो होते हुए जाएंगे उसके बाद अपना मेघना रिवर पे वो चिटागोंग डिवीज़न और ढाका डिवीज़न अलग अलग हो जाएगा तो मेघना रिवर होते हुए उसके बाद चंदपुर मिल जाएगा मुझे और वो चिटागोंग डिवीज़न में ही आता है तो मैंने होस्ट सर जी को भी बोल दिया है उन्होंने मतलब पूछा था कि कौन सा लोन से जा रहे हो तो मैंने बोल दिया ईगल सेवन से जा रहा हूँ मैं बोल के तो ऐसा कुछ है अभी वेट कर रहे हैं अभी चल चुका है ऐसा छोटा सा का भी यूज़ होता है नाव जो कि शायद फेरी सर्विस है और मछली पकड़ने वाला लोग है और
और ये हमारा 2 घंटे का सफ़र है, तो लगभग 5 बजे पहुँच जाएंगे शायद हम, ऐसा कुछ है देखो। और जहाँ पे लाइट भी है हेलो बोल दो। हाँ भालो 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 अपनी क्या मना से भालो से ओके ठीक है भालो से भालो भालो हाँ कैसे बारी कोई इंडिया इंडिया या कौन दिनों से आई से या 4 दिन हो गया 4-5 दिन हाँ घोरता हाँ चांपुर में कौन है चांपुर जा बोल जा चांपुर जाएगी हाँ चांपुर वो देश देश कैसे कॉपे फिर भी हाँ हाँ ओके इंडिया हाँ इंडिया वापस 20 दिन के बाद 20 दिन हाँ हाँ भारत जाए देखा लोग ऐसे कुछ जा रहे हैं या फिर बैठ के कोई लेट के कोई सो के कोई स्टैंडिंग करके ऐसे जा रहे हैं। तो यार मज़ा ही कुछ और है पानी से ट्रेवल करना, इतना फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, बढ़िया फील हो रहा है यार। आज के होना चांस मिलने से मैं बस की जगह या कुछ अलग प्लेटफॉर्म की जगह ऐसा मतलब लॉन्च पर ही ट्रेवल करूँगा पानी के थ्रो, इतना मज़ा आता है। नीचे में भी है देखो ऐसा बैठ के सामने का नजारा देख देख के जा रहे हैं। हेलो कोई बस और कुछ समय बाद मिलने वाला है, 5 बज गया है अभी शाम का और मैं खा रहा हूँ यहाँ पर अरे यार समोसा। तो यहाँ पे भी ऐसा बैठने आते हैं सीप में भी लॉन्च में भी मतलब समोसा वगैरह 10 टाका का समोसा है। मैं इंडियन रूपीज में जितना भी बनते हैं ना वो स्क्रीन में दे दूँगा मैं। और टिकट जो था ओंडावे मिल गया हमें, ओंडावे देता है ऐसा जो सबसे लोएस्ट वाला था 150 टका का था टिकट। तो 150 में ऑलमोस्ट 127 होता है सर इंडियन रुपीस में, मैं स्क्रीन में दे दूंगा देख के डायरेक्ट। अच्छा देखते तो यार यहाँ पे अभी अभी सूरज जी दर्शन दिया है तो 5:32 हो गया है 5:30। तो ऐसा कुछ है और यहाँ से केबिन भी मिलते हैं सर, केबिन वगैरह और वॉशरूम भी है ऐसा सब कुछ। और प्राइस बोले थे यहाँ पे केबिन वगैरह का मिल जाते हैं 500 टका में, 1000 का है, 250 का है, अलग अलग प्राइस का है। और जो नीचे चेयर वाला था वो था 220 का। ठीक है अभी पहुंच गया फाइनली चंदपुर में और अभी उतरते हैं, मेरा होस्ट को भी देख ही लिया मैं तो पहले उतर लेते हैं। बहुत भीड़ है तो लास्ट में ऐसा देखे जाना है टिकट को हाँ चेक करते हैं ना लास्ट में। हेलो कौन आते हैं वालो वालो ठीक है से हाँ ओके तो ठीक है अभी मिल गया मेरा होस्ट से, चलते हैं उसका प्लेस में बाद में मिल जाता हूँ मैं अच्छे से। हेलो आपका बेटा है अच्छा अच्छा वालो अच्छे ना ठीक है से। तो ऐसा कुछ अभी हम रिक्शा में जा रहे हैं 2 किलोमीटर है बोला वहाँ से पोर्ट से, और ऐसा देखो एक जन पीछे भी है ठीक है। और सर जी हमारा मतलब पूरा वीडियो देख चुका है, मानी का भी और एक ही ब्रो का भी देख चुका है। अच्छा अच्छा अपना नाम क्या है T2 ओके T2 और अपना आपका रायहान ओके ओके ठीक है। तो चलते हैं सर का जगह लिटिल सन ओके गुआवा ठीक है चलते हैं अभी सर का प्लेस में देखते हैं। तो अभी मैं सर जी का घर में पहुंच गया, लाइट नहीं है उतना रोको मतलब अभी अभी नहा लिया और देखो कितना सरल मतलब लोग मिलने आ गया मुझसे
इसे तो मैंने इंट्रोड्यूस करा लिया था और सारसी से भी मैंने इंट्रोड्यूस कर ही लिया, वो दोनों बच्चे हैं। हेलो ब्रो, क्या होना चाहिए? भालो अपना नाम था कि इंट्रोड्यूस कर दी वो। माय नेम इज राफिन हसन। राफिन हाँ। जाहिद। ओके ओके, तो राफिन मतलब सरजी का ही बेटा है ना? बड़ा बेटा। ओके, बड़ा बेटा। और काफ़ी साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे साउथ इंडियन मूवी। ओके, बॉलीवुड भी चलता है। ओके ओके, ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ मैं भी। तो अभी मेरा होस्ट सर जी लोग चला गया है, घर पास में ही है, मतलब ये भी उन्हीं का घर है, लेकिन मुझे प्राइवेसी चाहिए बोल के ऐसा कुछ एक घर सिर्फ मुझे ही दे दिया रहने के लिए। और यहाँ पे देखो, ये जो आदमी है ना, महान आदमी, ये है बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन है, जैसे हमारा महात्मा गांधी जी है। तो बांग्लादेश का इस महान व्यक्ति का नाम है अपना शेख मुजीबुर रहमान, और इसको प्यार से बोलते हैं बांगा बंधु। तो जब मतलब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे ये लीडर हुआ करता था और काफ़ी मतलब योगदान किया है सेपरेशन में मतलब बांग्लादेश को। उसके बाद मैं क्यों ये वाला लास्ट शॉट ले रहा था, तो उसका मेन रीज़न ये है कि मैं लोकेशन के बारे में बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, चांदपुर आप लोगों को पता चले गया, तो ये है चिटागोंग डिवीज़न का अंदर, मतलब बांग्लादेश में डिवीज़न होता है, यहाँ पे छोटा कंट्री है ना तो स्टेट्स नहीं रहता है, डिवीज़न होता है। ऐसे 8 डिवीज़न है बांग्लादेश में, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि ढाका डिवीज़न हो गया अलग सा, और चिटागोंग डिवीज़न हो गया, और उस साइड में है अपना बारिसाल डिवीज़न ऐसा ही है, और सिलहेट डिवीज़न, मायमनसिंह डिवीज़न, बहुत सारे 8 ऐसा डिवीज़न है। तो ये है चिटागोंग डिवीज़न के अंदर में, चांदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, चांदपुर में ही मैं।